डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम ख्याति के कुछ और क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ख्याति में हम औसत लाभ विधि के प्रश्नों को देख रहे थे। औसत लाभ विधि में क्रियात्मक प्रश्न है, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 6। तो क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 6 को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 6 को समझने से पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे औसत लाभ में 10 वर्षों की कुल लाभ माइनस वर्षों की हानि, वर्षों की हानि को क्या करते हैं हम, माइनस करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को और जोड़ना है। यहाँ पे असामान्य लाभ और असामान्य हानि, अगर प्रश्न में असामान्य लाभ दिया है तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, और असामान्य हानि दिया तो क्या कर देंगे हम, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, असामान्य लाभ या असामान्य हानि को क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है, असामान्य हानि को जोड़ देना है, असामान्य लाभ को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। ठीक, और यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे वास्तविक औसत लाभ की गणना करते समय निम्न तथ्यों को जोड़िए। निम्न तथ्य को जोड़ना है, क्या क्या को, असामान्य हानि जैसे आग, चोरी, भूकंप, तूफान आदि से है तो उसको जोड़ देंगे हम। पूंजीगत व्यय है, मशीन का क्रय कर रहे हैं या संपत्ति का नवीनीकरण या क्रय कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। अनावर्तक व्यय है, अनावर्तक व्यय जैसे ऐसा व्यय जो मतलब बार बार ना होकर के कभी कभार होता है। ठीक है, तो संपत्ति के विक्रय से हानि, बड़ी मात्रा में संपत्ति की मरम्मत, ये क्या है, अनावर्तक व्यय, मतलब इसकी आवृत्ति जो है बार बार नहीं होती है, ये अनावर्तक है। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन, तो प्रारंभिक स्कंद का अधिक व अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन करना, इसको भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, उस पर क्या क्या घटाना है, तो असामान्य लाभ को घटा देंगे। असामान्य लाभ जिसमें सट्टे या लॉटरी से आए, गैर व्यापारिक विनियोगों से आए, अनावर्तक लाभ, स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, इसको हम क्या करना है, माइनस करना है। मूल्यांकन, तो प्रारंभिक स्कंद का कम मूल्यांकन, अंतिम स्कंद का अधिक मूल्यांकन, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद समायोजन, जैसे भविष्य में होने वाले व्यय, भविष्य में होने वाले व्यय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बीमा प्रीमियम, सहदारों को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन, स्थायी संपत्ति पर मूल्य ह्रास एवं डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण, आयकर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में छठवां प्रश्न में ये आएगा, व्यय में बीमा प्रीमियम आएगा, आपको याद रखिए, आप इसको याद रखिए, ये चीज़ें हमको क्लियर करनी है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में देखिए, यहाँ पर छठवां है शिवपुर। शिवपुर के श्री गर्ग ने 1 जनवरी 2016 को दीपक का व्यवसाय खरीद लिया। दीपक का व्यवसाय को क्या कर लिया, खरीद लिया। दीपक ने व्यवसाय का पिछले 3 वर्षों के लाभ निम्नांकित थे। 3 वर्षों का लाभ क्या क्या था देख लीजिए, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इसको। तो 2013 में है 64,000, 2014 में 80,000, 2015 में 72,000। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हुई, 8,000 असामान्य लाभ। तो हम 8,000 असामान्य लाभ, अब हमको प्रश्न में तो दिया है, अब इसको हमको क्या करना है, इसके संबंध में हमको जानना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो 8 असामान्य लाभ है तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न इसमें पढ़ा था, असामान्य लाभ है तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और असामान्य हानि है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, असामान्य लाभ है तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, असामान्य हानि है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, सॉरी, असामान्य हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, असामान्य लाभ को घटा देंगे। क्लियर हो गया, लाभ को घटाना है, असामान्य हानि को जोड़ना है, क्लियर हो। उसके बाद यहाँ पर 8,000 बीमा प्रीमियम छोड़कर जो 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 संपत्ति अभी खरीदी गई है, तो बीमा प्रीमियम एक प्रकार का व्यय है जो कि भविष्य से संबंधित है, तो बीमा प्रीमियम का जो व्यय है उसको हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने इसमें अंडरलाइन करके रखा है कि समायोजन में देखिए, भविष्य में होने वाले व्यय बीमा प्रीमियम, अगर बीमा प्रीमियम वाला शब्द दिया है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए घटाइए शब्द दिया है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको औसत, वास्तविक औसत लाभ की गणना करते समय इसको घटा देना है। तो इस बीमा प्रीमियम को, 8,000 का जो बीमा प्रीमियम है उसको हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसमें से, इस राशि में से। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे हल करेंगे आप देख लीजिए एक बार। तो इसको इस प्रकार से हल करना है, देखिए देखते जाइए। 2013 में 64,000, 2013 में कितना था, 64,000 का लाभ था, उसमें हम क्या कर दिए, लाभ में से असामान्य लाभ को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 64,000 में से 8,000 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 56,000। उसी प्रकार 80,000 में असामान्य हानि को क्या करना है, हमको जोड़ना है,
तो 96,000 हो गया। 72,000 रुपया का हमारा लाभ था, उसमें हम बीमा प्रीमियम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 64,000 हो गया। अब इन तीन साल का 2013, 14 और 15 का ये जो है लाभ निकल गया इस प्रकार। अब इस लाभ को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, औसत लाभ निकालेंगे इसका, तो औसत लाभ बराबर 56,000 धन 96,000 धन 64,000 बटे 3। अब तीनों को जोड़ दे तो 216,000, 2,216,000 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 7 × 3 = 21 और यहाँ पर 3 × 2 = 6 होगा ना, 2 है ये, ठीक। तो ये 72,000 आ गया। अब इस 72,000 जो औसत लाभ हुआ है तो ख्याति की राशि लिखेंगे, तो ख्याति की राशि में क्या लिखते हैं, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष, तो ये क्या है, 72,000 औसत लाभ है गुणित 2 कर दिए, क्योंकि प्रश्न में दिया है 2 वर्ष के आधार पर, यहाँ पे लिखा है प्रश्न में 2 गुना आधार पर ख्याति मूल्यांकन कीजिए, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर दिए, अब तो कितना आ गया, 72 × 2 = 144, तो 1,44,000 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न को बनाना है, क्लियर हो गया होगा, 6वां प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक जो है प्रश्न क्रमांक है 7 की, और प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा है, देखिए एक फर्म के 5 वर्ष के औसत लाभ इस प्रकार है। इसमें हमको ऊपर देखिए भारित औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि से कैसे करेंगे गणना इसके बारे में हम समझेंगे। तो भारित औसत लाभ विधि में क्या होता है, तो हमको इसको भार निकालना पड़ता है, जिस प्रकार से भार प्रश्न में दिया रहेगा उसी प्रकार से निकालना है, टेबल के आधार पर बनाना रहता है, कोई विशेष नहीं है, बाकी सभी प्रक्रिया जो है उसी प्रकार से होगी जैसे हम औसत लाभ विधि सामान्य रूप से निकालते हैं। तो ख्याति 2011-12 में देखिए 20,000, 2012-13 में 24,000, 2013-14 में 30,000, 2014-15 में 25,000 और 2015-16 में कितना है, 18,000। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, पिछले 3 वर्षों क्रय के आधार पर भारयुक्त औसत लाभ विधि द्वारा कीजिए, भारयुक्त औसत लाभ विधि द्वारा हमको करना है। भार क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 हैं, मतलब पहले साल 1 भार और दूसरे साल भार 2 भार, तीसरे साल 3 और चौथे साल 4 और पाँचवें साल 5, इस प्रकार से भार क्रमशः दिया है। क्रमशः मतलब एक के बाद एक, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का 1, 2, 3, 4, 5 करके भार दे दिया है, ठीक। अब इसको हमको बनाना है, तो बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम एक टेबल खींचेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल खींचेंगे, देख लीजिए एक मिनट, हाँ इस प्रकार से हमको टेबल खींचना है, ये देखिए वर्ष लाभ भार और गुणनफल, वर्ष लाभ भार गुणनफल, वर्ष कितना 2011-12 में कितना लाभ, 20,000। अब उसका भार लिख दिए, भार में 1, 2, 3, 4, 5 कर दिए, जो वर्ष था उसको उतार दिए हैं और लाभ को उतार दिए हैं प्रश्न से। अब भार को हमको लिखना है यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, भार और लाभ, लाभ में से भार का गुणा कर देंगे, तो लाभ का भार से गुणा किए तो कितना आ गया, 20,000 गुणनफल इसका, ठीक। उसी प्रकार 24,000 का 2 से गुणा करेंगे तो 48,000, 30 का 3 से करेंगे 90,000, 25 का 4 से करेंगे 1,00,000 और 1,00,000, 18,000 का 5 से करेंगे तो 90,000 हो गया, है ना। अब इस इन सब का क्या करेंगे, इस गुणनफल का हम योग लगा देंगे तो कितना आ गया, 3,48,000, ये गुणनफल का योग। अब इसको जोड़ दिए, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। अब इस 15 में से हम क्या करें, इस 15 का भाग दे देंगे किसको, ये मतलब 3,48,000 को भाग करेंगे किससे, 15 से करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, भारित औसत लाभ निकलेगा, ठीक है, भारित औसत लाभ, क्योंकि भार से हम गुणा कर रहे हैं, भार से गुणनफल जो आएगा उसी से हमको भार का भाग देना है, तो हमारा भारित औसत लाभ आएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भारित औसत लाभ निकालने के लिए कुल लाभों का गुणनफल का योग, कुल लाभों का गुणनफल का योग, मतलब जो भी लाभ आया था उसका गुणनफल का जो योग है, हम योग जो निकाले हैं 3,48,000 बटे भारों का मूल्य, तो 3,48,000 बटे 15 कर दिए, तो 15 से अगर हम कटाएंगे तो ये आ रहा है कितना, 2, 2, 3, 2, मतलब 23,200 रुपये, 23,200 रुपये ये आ रहा है। अब हम ख्याति की गणना करेंगे तो क्या लिखेंगे, भारित औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, तो भारित औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, तो भारित औसत लाभ कितना है,
23,200 और गुणित 3 वर्ष के आधार पर प्रश्न में दिया है। प्रश्न में क्या दिया है? 3 वर्ष के आधार पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है देख लीजिए, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर भारयुक्त औसत विधि से लाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, बोल रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष से गुणा कर देंगे तो 23,200 गुणित 3 बराबर कितना आ गया? 69,600 रुपया। इस प्रकार से इसको बनाना है। 8वां जो क्वेश्चन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा है और इसमें जो है आपको माइनस प्लस करके आपको लाभ निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वही सेम है प्रक्रिया, तो बाकी परीक्षा में पूछने लायक तो मेरे को नहीं लगता है जहाँ तक हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अधिलाभ विधि से अब प्रश्नों को हल करते जाएंगे। जितना बताया हूँ उतना को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो ही जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।